सीधे आपको वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पर अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। मेरे विचार जो है वो सुनिए, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं भैया, बाद में ही चालू करूंगा। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे विशेष आग्रह पर समय निकालकर न केवल इस सत्र में, इसके बाद भी कुछ सत्रों का वो अध्यक्षता करने वाले हैं और यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी, सभापति उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, मेरे साथी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जिनके जिम्मे गृह विभाग में राजभाषा विभाग का दायित्व है, ऐसे मेरे साथी उत्तर प्रदेश के ही नेता श्री अजय कुमार मिश्र जी, श्री निशित प्रामाणिक जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व राज्यपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता और हिंदी के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसे हमारे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, सचिव राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग और यहाँ के सांसद के रूप में आज केंद्रीय मंत्री है, हमारे साथी है, विराजमान है पांडे जी, और आज बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में देश भर से आए हुए हिंदी प्रेमियों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे लिए भी एक बहुत हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली। कोई भी सरकारी परिपत्र अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती, और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए, परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग ही है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए जो हमारे पुरखों ने यातनाएं सहन की, सर्वोच्च बलिदान दिए, जो संघर्ष करा, उसको स्मृति में फिर से जीवंत कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का तो मौका है ही है, परंतु आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों ने तय करना है कि जब आजादी के 100 साल होंगे भारत कैसा होगा, कहां होगा, दुनिया में भारत का स्थान कहां होगा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो, भारत कहां खड़ा होगा, हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसका संकल्प लेने का यह वर्ष है। और 75वें साल से 100 साल तक का काल अमृत काल रहेगा और ये अमृत काल हमारे सभी लक्ष्यों की सिद्धि का माध्यम रहेगा। और मैं आज इस अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कहने आया हूं कि
कि हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए कि 100 साल जब आजादी के हो तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। और एक काम मैं मानता हूं आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए, क्योंकि हमारे आजादी के 3 स्तंभ थे। आजादी का आंदोलन जो गांधी जी ने जिसको लोक आंदोलन में परिवर्तित किया, इसके 3 स्तंभ थे, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज तो मिल गया, स्वदेशी भी पीछे छूट गया, स्वभाषा भी पीछे छूट गया। 2014 के बाद मोदी जी ने पहली बार मेक इन इंडिया और अब पहली बार स्वदेशी की बात कर स्वदेशी को फिर से हमारा लक्ष्य बनाने के लिए आगे बढ़े। और इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर मैं देश भर के सभी लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक और लक्ष्य हमारा छूट गया था स्वभाषा का, उसको हम फिर से एक बार स्मरण करें और हमारे जीवन का हिस्सा बने। और मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश भर से हिंदी प्रेमी आए हैं, बहुत प्रयास हो रहा है हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में विखवाद चल रहा है, एक राजनीति खड़ी है। मैं बहुत मन से मानता हूं, मैं भी हिंदी भाषी नहीं, गुजरात से आता हूं, मेरी मातृभाषा गुजराती है, मुझे गुजराती बोलने में कोई परहेज नहीं है, मगर मैं गुजराती जितना ही प्यार बल्कि इससे थोड़ा अधिक प्यार हिंदी को करता हूं। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है, हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है और सखियों के बीच में कभी अंतर विरोध नहीं। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा, और स्थानीय भाषा विकास सातत्यपूर्ण तरीके से तभी विकसित हो सकती है जब राजभाषा एक देश भर के अंदर मजबूत होगी। ये दोनों पूरक है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो राजभाषा विभाग का काम है कि स्थानीय भाषाओं को हम मजबूत करें और देश भर की जनता का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम राजभाषा को मजबूत करें। मित्रों, मेरे लिए एक और आनंद का विषय है कि जब हमने इस राजभाषा सम्मेलन को दिल्ली के बाहर निकालने का निर्णय किया तो वो सम्मेलन, पहला सम्मेलन काशी में हो रहा है। विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, बाबा विश्वनाथ का धाम है, माँ गंगा का सानिध्य है और हमेशा माँ सरस्वती की उपासना करने वालों के लिए ये स्वर्ग रहा है काशी। भाषा की उपासना करने के वालों के लिए, व्याकरण की उपासना करने वालों के लिए काशी हमेशा एक गंतव्य स्थान रहा है कि काशी जाएंगे और विद्या को प्राप्त करेंगे और अपने मुमुक्षा का उसका समाधान करेंगे। ये देश भर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये मान्यता है। आज उसी जगह पे आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में यहाँ है और संकल्प लेने के लिए यहाँ है कि आजादी के अमृत काल के अंदर जब 100 वर्ष होंगे तब हम 100 भाषा का लक्ष्य भी हम पूर्ण करेंगे। मित्रों, काशी एक सांस्कृतिक नदी है। देश के इतिहास को काशी से अलग कर देखे तो लिख ही नहीं पाते। चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे उसके बाद में गौरवमय इतिहास जो देश का रहा वो हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, अब चाहे देश के विकास की दिशा में ले जाने वाला, देश को दुनिया में सबसे सम्मानित जगह पे पहुंचाने वाला प्रधानमंत्री जिस काशी से सांसद हो, वो काशी। काशी को देश के इतिहास से अलग कर हम नहीं देखते।
अपने आप महर्षि पतंजलि और पाणिनि हमें जो देकर गया है वो तुरंत पुनर्जीवित हो जाएगा मित्रों। और मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से देश भर के अभिभावकों को भी अपील करने आया हूं, उनको अनुरोध करने आया हूं कि आप आपके बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करें। बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, घर के अंदर अपनी भाषा में इनसे बात करिए, उनका आत्मविश्वास जगाइए, अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसके मन से एक बार निकाल दीजिए। इससे भाषा का तो भला होगा, मगर उससे ज्यादा भला आपके बच्चे का होगा, आपकी संतानों का होगा, क्योंकि मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही आ सकता है। दूसरी भाषा रटी रटाए ज्ञान को तो दे सकती है, ज्ञान को अर्जित करना है और ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो यात्रा है वो मौलिक चिंतन से ही हो सकता है और मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही प्राप्त हो सकता है। अगर आपने आपके बच्चे के मौलिक चिंतन को एक बार समाप्त कर दिया तो आपका बच्चा देने वाला नहीं बनेगा, लेने वाला बनेगा। और हर माँ बाप ने ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान दुनिया को देने वाले बने, दुनिया से लेने वाले बने। और इसलिए ये भाषा, हमारी स्वभाषा को मजबूत करना बहुत जरूरी है मित्रों। मित्रों, दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, मगर मैं मानता हूं कि भाषाओं के बारे में हमारे देश को ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और लिपिबद्ध भाषाएं अगर किसी एक देश में है तो वो भारत के अंदर है। और हजारों साल का हमारा इतिहास, हजारों साल की हमारे संस्कृति का धारा प्रवाह इसके अंदर समाहित, उसको आगे बढ़ाना है। भाषा जितनी सशक्त होगी, समृद्ध होगी, उतनी ही संस्कृति सभ्यता विस्तृत होगी और सशक्त होगी और उतनी ही चिरंजीव होगी। अगर हम हमारी संस्कृति को संभाल कर रखना चाहते हैं, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारी भाषाओं को हमने मजबूत करना पड़ेगा। अपनी भाषा से जुड़ाव, अपनी भाषा से लगाव और अपनी भाषा के उपयोग से मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, कभी भी शर्म मत रखिए, एक गौरव का विषय है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, मैं हिंदी में भाषण कर रहा हूं, हो सकता है कोई शब्द मेरे गुजराती में आ जाएंगे, मगर हिंदी में मैं बात करता हूं, गुजराती में शब्द आ जाएंगे, मगर देश भर से अलग अलग प्रदेशों से आए सारे लोग उसको समझ जाएंगे, उसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी हर भाषा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मित्रों, आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा बल होना चाहिए कि ये जो लघुता ग्रंथी अंग्रेजी शासन काल के अंदर हुई है वो बदलनी पड़ेगी, उसको युवाओं के मन से निकालना पड़ेगा और घबराहट की जगह गौरव की अनुभूति हो, इस प्रकार के वातावरण की निर्मिति होनी। किसी भी मंच पर आप अपनी भाषा के अंदर आपके मौलिक विचारों को रखिए। एक जमाना था जब घबराहट होती थी, मैं बताता हूं एक जमाना अब शुरू हो चुका है जब गौरव की अनुभूति होगी। घबराहट से गौरव को बदलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के शासन काल की। स्वभाषा ही अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करती है, स्वभाषा ही चिंतन को गति देती है और स्वभाषा ही नए परिमाणों की दिशा में सोचने के लिए हमें उद्वेलित करती है। स्वभाषा व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आत्मसम्मान अगर हमें खड़ा करना है तो हमें राजभाषा और स्वभाषा दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसका एक प्रमुख स्तंभ है
कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन और राजभाषा का भी संरक्षण और संवर्धन। शिक्षा का मूल आधार सोचना है, शिक्षा का मूल आधार स्मरण है। लिखाई पढ़ाई होती रहती है, इसीलिए एक जमाने में हमारे यहां श्रुति और स्मृति को महत्व देते थे, मगर सोचना और स्मरण करना दोनों चीजें स्वभाषा में जितने अच्छे तरीके से होती है इतना कहे पर भी नहीं होता है। और मैं आप सबको आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है इसका आप अध्ययन करिए, इसमें स्वभाषा पर राजभाषा पर बहुत बल दिया गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के अभ्यासक्रम, इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, ये सब के अनुवाद अलग अलग भाषाओं में अभी तक तो 8 भाषाओं में तो शुरू हो चुके, राजभाषा में भी शुरू हो चुके। इसकी पढ़ाई लिखाई जब जिस दिन इस भाषाओं में शुरू होगी, मैं बताता हूं अनुसंधान में हमारा देश सबसे ऊपर होगा, क्योंकि अनुसंधान अपनी भाषा में ही सबसे अच्छा हो सकता है। हमारा देश पिछड़ गया, इसका मूल कारण यह है कि पढ़ाई लिखाई अनुसंधान के विषय हमारी भाषाओं में नहीं। और मोदी जी ने ये जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन आने वाले दिनों में भारत के भविष्य को बदलने वाला परिवर्तन होने वाला है, इसका मुझे अभी बहुत विश्वास है। मैं आज सभी इस सभागार के अंदर, तुलसी सभागार के अंदर जो लोग बैठे हैं, सभी को अनुरोध करता हूं कि नया शिक्षा नीति का जो एक मुख्य बिंदु है अपनी भाषाओं को मजबूत करने का, उसको आप देश भर में इसके स्वागत का एक माहौल बनाइए, इसके स्वागत के लिए एक अनुकूल वातावरण की निर्मिति कराइए। जब तक देश की प्रशासन और नौकरशाही की भाषा देश की नहीं हो सकती, लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता। प्रशासन की भाषा ऐसी हो जो 5-7% लोग समझ सकते हो तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा? लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब प्रशासन की भाषा स्वभाषा हो, राजभाषा हो। और मैं बड़े गौरव के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है, पूर्णतया हमने राजभाषा को स्वीकार किया। और बहुत सारे विभाग भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि शासन तभी लोकभोग्य होता है जब आम जन की भाषा में शासन चलता है। आप कोई भी परिपत्र निकाल दो, कोई भी अध्यादेश निकाल दो, अगर जब आपके देश की जनता ही उसको पढ़ नहीं सकती, इसको स्वीकार कैसे करेंगे? और ये परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। मित्रों, अमृत काल के अंदर हमने कुछ लक्ष्य तय करने पड़े, किस देश की शिक्षा की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की प्रशासन की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की न्याय व्यवस्था की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की तकनीक की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, और जनसंचार की भाषा, मनोरंजन की भाषा भी स्थानीय और राजभाषा में हो। अगर हम ये लक्ष्य तय करते हैं, और कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, ये उद्देश्य इतने बड़े हैं, सिर्फ हम विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने लगे, जनमानस उसको तुरंत स्वीकार कर लेगा, कोई संघर्ष मत करिए। राजभाषा के प्रचार के लिए किसी के साथ संघर्ष की जरूरत नहीं है, स्वभाषा के प्रचार के लिए किसी के साथ संघर्ष की जरूरत नहीं है। वो अब इसकी नियति है इसका बढ़ना, इसकी नियति है इसको आगे बढ़ना, हमें उसमें उद्दीपक का काम करना, हमें इसको आगे ले जाने का वाहक का काम करना है।
और वो आज मुझे लगता है कि हमने तय करना चाहिए। ये पांच जो चीज़ें हैं जहां भाषा को हमने मजबूत करना है, उस पर मेरा आप सबसे आग्रह है कि देश में इस प्रकार की वातावरण की निर्मिति करने के लिए भी हम आगे बढ़े। मित्रों, देश का आज़ादी का इतिहास और देश के इतिहास को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में राज्यों के इतिहास पढ़ाएं। मेरा तो सभी विद्वत जनों से आग्रह है कि इसका राजभाषा में अनुवाद करने की एक मुहिम चलानी चाहिए। गुजरात का इतिहास है, अगर वो गुजराती में है तो उत्तर प्रदेश का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर ये राजभाषा में है तो पढ़ पाएगा? उड़ीसा का एक अपना इतिहास है, अगर वो सिर्फ ओडिया भाषा में है तो वो गुजरात का बच्चा कैसे पढ़ेगा? हिमाचल का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर वो राजभाषा में है तो वो उसको पढ़ पाएगा। और राष्ट्रीय एकात्मता की निर्मिति के लिए बहुत जरूरी है कि देश के कोने कोने में बिखरे हुए इतिहास की घटनाओं को और इतिहास के पुस्तकों को राजभाषा में अनुवादित किया जाए। एक राजभाषा विभाग ने अभी एक अभियान दिया है, कार्यालयीन कामकाज के लिए सुरल सुस्पष्ट शब्दकोश रखेंगे, मगर मैं हिंदी के विद्वानों को थोड़ा एकदम गले नहीं उतरेगा, हजम भी नहीं होगा, हमने हिंदी को लचीली भी बनानी पड़ेगी। हिंदू की स्वीकृति अगर लानी है तो हिंदी को लचीली बनानी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, वीर सावरकर इस देश में अनेक प्रकार के कामों के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर में इनकी स्वीकृति है, पूरा देश उनको वीर सावरकर करके सम्मानित करता है, मगर आप लोगों के ध्यान में बहुत कम होगा कि वीर सावरकर ने स्वभाषा और राजभाषा के लिए बहुत बड़ा काम किया था, हिंदी का शब्दकोश बनाया था। और कई ऐसे शब्दों को मैं जानता हूं जो सावरकर जी न होते तो आज शायद हम अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग करते होंगे। जैसे पिक्चर देखते हैं हम तो उसमें आता है डायरेक्टर, इसके लिए कोई शब्द नहीं था, उन्होंने निर्देशक शब्द दिया। आर्ट डायरेक्शन, उन्होंने शब्द दिया कला निर्देशन। कई सारे शब्द को उन्होंने दिया और हिंदी को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से अब समय आया है कि हम इस हिंदी को लचीली बनाएं। हमारी राज्यों की भाषा के शब्द भी अंदर आते हैं तो उससे परहेज न रखें। कोई विदेशी भाषा का भी शब्द आता है तो परहेज न रखें। उसका बोलने का माध्यम हिंदी हो जाए, उसके लिखने का माध्यम हिंदी हो जाए, इसके सोचने का माध्यम हिंदी हो जाए, इतना एक बार करो, हिंदी अपना रास्ता अपने आप कर लेगी बाद में। मगर हिंदी को लचीली भी बनाना पड़ेगा। और ये जो शब्दकोश राजभाषा विभाग तैयार कर रहा है वो मुझे लगता है कि हिंदी को प्रशासन की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान हो। आज जो सत्र चलने वाले हैं 2 दिन तक, उसमें कई सारे विषय है। इसमें एक विषय भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का भी है और भारतीय भाषाओं का स्वतंत्र संग्राम में योगदान का भी है। मित्रों, मैं मानता हूँ ये दोनों बहुत बड़े विषय हैं और हमें इसको लोकभोग्य बनाकर जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं कि एक जमाने में कहा जाता था कि हम पर जो अंग्रेजी थोपी गई राज्याश्रय से थोपी गई थी, ये इसलिए करना पड़ा था कि वो विदेशी भाषा थी। हिंदी और राजभाषा को राज्याश्रय से नहीं थोपना है, हमारे प्रयासों से इसको सर्वस्वीकृत बनाना। शासन तो करेगा, मोदी जी के जितने भी आप भाषण सुनते आप देखेंगे हिंदी में ही होंगे। अब शासन के अंदर भी हिंदी भाषा प्रयोग में आने लगी है, परंतु इससे कुछ नहीं होगा जब तक जनमानस के अंदर अपने अपने राज्य की भाषा और राजभाषा की स्वीकृति का हम एक प्रकार का वातावरण निर्मित नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हिंदी के शब्दकोश को भी
समृद्ध करने की जरूरत है। बहुत सारे विद्वत जन यहाँ पर बैठे हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसके लिए भी हमने काम करना चाहिए। एक समय आ गया है कि इसको नए सिरे से देखा जाए, कुछ विद्वानों की कमिटी बने। अगर मेरा संपर्क करोगे आप तो मैं जरूर इसके लिए समय भी दूंगा और सरकार जो मदद करना चाहे करेगी, योगी जी भी मदद कर सकते हैं। हिंदी के शब्दकोश को मजबूत करना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए, इसकी सीमाओं को बढ़ा देना चाहिए। एक परिपूर्ण भाषा, एक संपूर्ण भाषा बनाने के लिए कुछ विद्वत जनों ने काम करना पड़ेगा और बहुत समय हो गया है हिंदी के शब्दकोश के ऊपर एक नजर भी किसी को डाले के नया क्या ला सकते हैं। और अगर इस पर नहीं सोचेंगे तो मैं आपको बताता हूं, काल अपना काम करता है। हम अपना काम नहीं करेंगे तो काल अपना काम करेगा, धीरे धीरे काल भाई हो जाए। क्योंकि भाषा तो नदी जैसी है, बहती रहती है, नई चीजों को जोड़ने के लिए भी हमारे विद्वत जन आगे आए, ऐसी मैं सबको अपील भी करना चाहता हूँ सबको। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।